हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसा कि पिछले लेक्चर पे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन पढ़ा गया था, और यह भी देखा गया था कि दूरी एक प्रकार की अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश राशि होने का मतलब कि उसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे चाल और वेग। चाल यानी स्पीड, चाल सभी लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम लोग कह सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम उसी तरीके से एक नया शब्द आपको मिलेगा, वेग। वेग को हम अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। बस अंतर क्या है कि चाल में जहां पे दूरी रहता है वहां पे वेग में विस्थापन हो जाता है, यानी जिस तरह से दूरी अदिश होने के नाते चाल भी अदिश है, उसी तरीके से विस्थापन सदिश होने के नाते वेग भी एक प्रकार की सदिश राशि है। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम की वैल्यू 1 सेकंड कर दिया जाए तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस में 1 से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस ही रहेगा, यानी अगर टाइम की जगह 1 सेकंड कर लिया जाए तो जो डिस्टेंस है वही उसकी स्पीड कहलाएगी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। सेम इसी तरीके से वेलोसिटी का डेफिनेशन बनाते हैं, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, या हिंदी में कह सकते हैं एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो ये तो डिफिनीशन हो गई दोनों में। अगर दोनों की यूनिट देखें तो दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में, यानी मीटर बटे सेकंड या मीटर पर सेकंड, इसका भी विस्थापन मीटर में, समय सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड, यानी आप देख सकते हैं कि दोनों की ही यूनिट मीटर पर सेकंड है, दोनों का ही मात्रक मीटर पर सेकंड है। जिस तरह से दूरी और विस्थापन का दोनों का मात्रक मीटर होता था, बस उसमें अंतर होता था कि दूरी एक प्रकार की अदिश राशि थी और विस्थापन एक प्रकार का सदिश राशि था, उसी प्रकार से चाल यानी स्पीड आपकी अदिश है, स्केलर है, और वेग यानी वेलोसिटी आपका वो वेक्टर है, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। तो अदिश राशि कौन सी है, स्पीड यानी चाल, और सदिश कौन सी है, वेग यानी वेलोसिटी। लेकिन दोस्तों केवल यही मत समझिएगा कि केवल चाल ही अदिश राशि होती है, वेग ही सदिश होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी राशियां हैं जो धीरे धीरे हम लोग के सामने आती जाएंगी और उसमें हम लोग क्लासीफाई करते रहेंगे कि कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। साथ ही साथ यहाँ देखिए कुछ मेजर डिफरेंस है जिनके बीच में, कि जो स्पीड होती है इट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, यानी चूंकि स्पीड यानी जो चाल है उस वो एक प्रकार की अदिश राशि है, तो अदिश में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, यानी जितने भी जो आपके स्केलर क्वांटिटी है उसमें केवल मैग्नीट्यूड है, जबकि वेलोसिटी यानी वेग में इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है यानी परिमाण भी होता है, एंड डायरेक्शन यानी दिशा भी होता है। नेक्स्ट है इट ऑलवेज पॉजिटिव, यानी स्पीड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव मेजर नहीं की जाती है, स्पीड जब भी होगी वो पॉजिटिव होगी, और वेलोसिटी जो है इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है यानी धनात्मक भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है यानी ऋणात्मक भी हो सकती है, और इवन जीरो भी हो सकती है यानी शून्य भी हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर दोनों का हम मॉड लें, मॉड मतलब मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, तो जो स्पीड का मॉडुलस होता है वो वेलोसिटी के मॉडुलस से या तो इक्वल्स करता है या तो ग्रेटर रहता है, यानी स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मॉड ऑफ वेलोसिटी। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग चाल और वेग के प्रकार।
चाल भी आपके चार प्रकार के होते हैं, वेग भी आपके चार प्रकार के होते हैं। अगर आप मेरे साथ ध्यान से इनके डिफिनीशंस को समझेंगे तो एक अगर आप समझ लेंगे तो दूसरा अपने आप बोल जाएंगे। तो सबसे पहले नाम देखते हैं, एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड, तो वहां पे एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर सेकंड है, एक समान चाल था तो असमान चाल हुआ, एक समान वेग है तो असमान वेग हुआ, यानी यूनिफॉर्म स्पीड था तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी था तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, तो वहां पे हो जाएगा औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। और चौथा है तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये दोनों के प्रकार हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक समान चाल, तो दोस्तों चाल किससे बनाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते थे। एक समान चाल क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यानी टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए और दूरी भी सेम होना चाहिए, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। अब बस दूरी की जगह अगर विस्थापन हो जाएगा तो वो एक समान वेग हो जाएगा। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो उसे हम एक समान वेग कहेंगे। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान चाल कहते हैं, और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो उसे हम एक समान वेग कहेंगे। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यानी जब कोई वस्तु इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर अप करती है तो उसकी चाल को हम, उसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं असमान चाल। बस इक्वल डिस्टेंस की जगह हमको अन लगा देना है, यानी समान दूरी की जगह हमको असमान दूरी कर देना है। तो पहले इंग्लिश में देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल ही रहता है। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे असमान चाल कहते हैं। समान समय अंतराल में असमान दूरी तो असमान चाल, और अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो एक समान चाल। यानी व्हेन अ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, एंड व्हेन अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरीके से असमान वेग क्या होगा दोस्तों, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जहां डिस्टेंस था वहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन परिवर्तन करता है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म इलास्टिक कहते हैं। थर्ड है, थर्ड देखिए औसत चाल एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय, बटे को बोलते क्या है, रेशियो, रेशियो माने अनुपात, यानी रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यानी कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। जहां भी चाल रहेगा वहां दूरी ही रहेगी, विस्थापन नहीं रहेगा। औसत वेग किसे कहेंगे, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम, यानी कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहेंगे। इसको और डिटेल में भी पढ़ा जाएगा बाद में। तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तात्क्षणिक मतलब किसी फिक्स टाइम पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, यानी किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित समय पर। तात्क्षणिक चाल क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी जब कोई वस्तु का चाल किसी निश्चित पर्टिकुलर, किसी निश्चित समय पर हम देखते हैं तो उसकी चाल को हम तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ये फिक्स टाइम के लिए, बहुत ही इनफाइनेटली स्मॉल टाइम के लिए ये कवर अप किया जाता है। तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है,
वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, सेम वैसे ही जैसे आपका तात्क्षणिक चाल है वैसे ही तात्क्षणिक वेग है, बस उसमें स्पीड है इसमें वेलोसिटी है, दोनों ही एट ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स टाइम इंस्टेंट पर ये इसका वेग कहलाता है।